व्यूअर आज हम आपको बताएंगे फूड पांडा के बारे में, फूड पांडा की जॉब किस तरह की है। ये एक पार्ट टाइम जॉब भी है, फुल डे भी जॉब है, आप जिस तरह चाहे कर सकते हैं। ये स्टूडेंट के लिए मतलब एक तरह से पार्ट टाइम जॉब है, और जो कोई और काम वगैरह नहीं करते, स्टडी नहीं करते, वो फुल टाइम भी कर सकते हैं। फुल टाइम सुबह से ले 10 बजे शुरू होते हैं, रात 3 बजे तक होते हैं। आप जिस टाइम कर सकते हैं कर लें, जो आपको आसान लगे, जो आपको टाइम सेट हो रहा हो। शिफ्ट होते हैं इनके, सुबह के शाम के अलग अलग शिफ्ट होते हैं, आपकी मर्जी आप किस टाइम में करना चाहते हैं। रही बात इसकी सैलरी की, इसकी सैलरी फिक्स नहीं होती है, ये ऑर्डर्स के ऊपर सैलरी होती है। मतलब कि अब आपको बताया बोनस के साथ, बोनस भी होता है इसका, आपको बताया जाएंगे वीकली आप इतने ऑर्डर पिक करें तो आपको बोनस मिलेगा, उस हिसाब से आपकी सैलरी बनेगी। ये तकरीबन अगर एक्सपेंस वगैरह, बाइक के एक्सपेंस वगैरह निकाल के, आपको मुश्किल से अगर पूरा दिन आप 8 से 10 घंटे काम करेंगे, तब जाके आपके 25 से 30 हज़ार रुपये सैलरी बनेगी इसकी। जाके एक्सपेंस की रही बात एक्सपेंस की, बाइक के वो इस तरह से पूरे करते हैं इंसान, जैसे आपको बोनस मिल गया या कस्टमर ने कोई टिप वगैरह दे दी, तो तब जाके आपके बाइक के एक्सपेंस पूरे होंगे, वरना तो फिर आपको सैलरी में से पे करने पड़ेंगे बाइक के एक्सपेंस वगैरह। ये मतलब अगर आप चाहते हैं, राइडर को चाहता है कि मतलब इसी राइडर के हिसाब से आप आगे बढ़ें, फूड पांडा के जो ऑफिस तक जाएं, वहां जाके काम करें, तो इस हिसाब से नहीं कर सकते, आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा ऑफिस के लिए, तब जाके आप ऑफिस में काम कर सकते हैं। इस काम में फ्यूचर नहीं है, आप मतलब के इंटरेस्टेड तौर पे या कोई रोजगार बेरोजगार है तो उनको रोजगार नहीं मिल रहा तो ये काम कर सकते हैं, वरना तो ये इस काम में फ्यूचर वगैरह कुछ दिख रहा नहीं है। मतलब के सारा दिन बाइक पे भागने वाला काम है, सारा दिन भागते रहो धूप में, ट्रैफिक में, गलियों में भागने वाला काम है, बस यहाँ से ऑर्डर उठाया, वहाँ पहुँचाया, वहाँ से उठाया, यहाँ पहुँचाया, बस यही लगा रहता है। आप बेहतर जानते हैं, जो बेरोजगार है उनके लिए बेहतरीन मौका है ये काम करने का। बाइक चाहिए होगी आपको, ये बाइक की कोई डिमांड वगैरह नहीं होती कि किस तरह की बाइक हो, कोई भी हो, मतलब इतनी बाइक होगी आपको आपको ऑर्डर सेफली वहाँ तक पहुँचा सके। रही बात अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इनके ऑफिस जाना पड़ेगा, आपको ऑफिस जाके आपको 1000 रुपये पे करना पड़ते हैं सिक्योरिटी, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रेनिंग मिलती है, आपकी आईडी बनती है, ट्रेनिंग आपकी होगी तकरीबन 3-4 दिन की ट्रेनिंग होगी, हल्की फुल्की ट्रेनिंग, आपको समझाया जाएगा कि कस्टमर से किस तरह से बात करनी है, किसी बिहेवियर से बात करनी है। अगर कोई मसला हो जाता है तो आपको कंपनी से रब्ता करना पड़ेगा, अगर कोई ऑर्डर कोई कैंसिल कर देता है तो कंपनी से रब्ता करना पड़ेगा, वही मसला हल करेगा आपको, कस्टमर से कोई बहस वगैरह कोई जितबाजी नहीं करनी है। रही बात उनके यूनिफॉर्म और जो बैग मिलते हैं वो आपको देंगे, वो इस तरह से देंगे कि आपको नया देंगे, मतलब कि आप हर हफ्ते आपकी 500 रुपये आपकी सैलरी में से काटेंगे, मतलब इस तरह से तकरीबन 5 से 6 हफ्ते आपके काटेंगे। 2500 रुपये लेते हैं वो बैग के चार्जेस, यूनिफॉर्म तो मिल जाते हैं मगर बैग के चार्जेस आपसे 2500 रुपये लिए जाते हैं, जो फर्स्ट टाइम आपको मिलते हैं इस तरह से आपको काटते हैं। ये मतलब कि आपके लिए बेहतरीन मौके आप कर सकते हैं, जिनके पार्ट टाइम में वो इंसान कर सकता है जो मर्जी है, मतलब कि छुट्टी भी कर सकता है, कोई आपको रोकने वाला नहीं होगा कि आज ज़रूरी आने हैं, आज छुट्टी नहीं करनी, कोई किसी से पूछने नहीं होगा, आप किसी के अंडर में नहीं होंगे। मतलब कि एक अपना बिजनेस वाला काम है, बादशाही काम है, जब मर्जी दिल चाहे आ जाओ। भाई ये कि आपको बताना पड़ेगा उनके ऑफिस में कि मैं मतलब कि अभी काम करना चाह रहा हूँ, कब छोड़ना चाह रहा हूँ, इस तरह से नहीं, मतलब कि आप दिल चाहे आ जाए, इन्फॉर्म करना पड़ता है उनको बहरहाल, और मसला कोई नहीं होता। आप छुट्टी करना चाहे छुट्टी कर लें, कोई मसला नहीं होता, कोई आपके पैसे नहीं कटेंगे, कोई बोनस वगैरह, बोनस तो जहर सी बात है, उसके ऊपर ऑर्डर के ऊपर होगा, जब आप आएंगे नहीं तो आपके ऑर्डर पूरे नहीं होंगे आपको बोनस नहीं मिलेगा, यही बात है। बेहतरीन मौका कर लें आप, अच्छी बात है, और तो कुछ नहीं रखा इस काम में, बस यही है बेनिफिट तो आपको बता दिए, लॉस वगैरह तो कुछ नहीं है, बस जो कोई कैंसिल वगैरह होते हैं ऑर्डर तो वो कंपनी का मसला होता है, वो खुद हल करती है, आपको कोई पैसे वगैरह नहीं देने पड़ेंगे। ओके थैंक यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, थैंक यू, खुदा हाफिज़।